Welcome students. Today I am going to discuss rectification of one-side errors and rectification of two-side errors. आज हम आपके सामने में एक पक्षीय शुद्धि one-side errors के rectification और two-side errors दो पक्षीय शुद्धियों के rectification की जानकारी लेकर आए. The present video discusses entire rectification process. Either errors are related to one side or related to two side. Two side, two account. Two side, one account. Two side, two or more account. किसी भी तरह का errors. Errors में सभी प्रकार के errors के rectification की जानकारी इस present video में हम आपके सामने में लेकर के आए हैं. अंत तक इस video को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पहला पार्ट स्टार्टिंग में वन साइड एरर्स के रेक्टिफिकेशन की जानकारी होगी तो दूसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट नजर आता है स्टूडेंट्स के लिए वो टू साइड एरर्स के रेक्टिफिकेशन की जानकारी. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में जाने से पहले हमें एरर्स की पहचान करनी चाहिए. एरर्स अगर हमारा वन साइड निकल करके आता है तो रेक्टिफिकेशन के लिए रूल होता है नेचर ऑफ एरर देखना चाहिए. नेचर अगर लेस नेचर का है तो सेम साइड सेम अकाउंट रेक्टिफिकेशन करना है. मोर नेचर का है तो अपोजिट साइड सेम अकाउंट में हमारा रेक्टिफिकेशन होगा. हमारे कहने का मतलब हमें एरर्स के की पहचान करनी है. सबसे पहले इसके लिए एरर का साइड देखना है. एरर साइड की जानकारी हो जाती है तो एरर अकाउंट देखना है. एरर अकाउंट की जानकारी हो जाती है तो हम पता चल जाएगा वन साइड एरर है या नहीं. जैसे ही वन साइड एरर निकल करके आया नेचर ऑफ एरर पूछेंगे. नेचर या तो लेस का होगा या मोर का. लेस का है तो रूल कहता है सेम साइड सेम अकाउंट. जिस साइड में एरर है उसी साइड में रेक्टिफिकेशन होगा. जिस अकाउंट में एरर है उसी अकाउंट में रेक्टिफिकेशन होगा. मोर का है तो कहता है अपोजिट साइड सेम अकाउंट में अंतर नहीं आएगा. अकाउंट में तो जिस अकाउंट में एरर है उसी में रेक्टिफाई करेंगे लेकिन मोर का नेचर का है तो साइड हमारा अपोजिट हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के रूप में कैपिटल अकाउंट अंडर कास्ट कैपिटल अकाउंट अंडर कास्ट विथ रुपीज 100. कैपिटल का अकाउंट 100 रुपए से कम लिखा हुआ है. साइड ऑफ एरर क्या है? कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है. अकाउंट ऑफ एरर क्या है? अकाउंट में कैपिटल है. पैसा एरर आ गया तो वन साइड एरर. साइड भी सिंगल है अकाउंट भी सिंगल है इसका मतलब वन साइड एरर. जब वन साइड एरर है तो रेक्टिफिकेशन के लिए बतलाया या नेचर पूछना चाहिए. तो नेचर में हम देख रहे हैं अंडर कास्ट या अंडर रिकॉर्डेड है कम से लिखा गया है मतलब नेचर लेस का है. तो लेस का होने से क्या प्रूव जाता है? सेम साइड सेम अकाउंट मतलब रेक्टिफिकेशन इंक्रीज निकल करके आएगी वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. अकाउंट सेम साइड सेम तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री है आर ई रेक्टिफिकेशन एंट्री. जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए एग्जांपल टू रेंट अकाउंट रिकॉर्डेड रुपीज 19 इंस्टेड ऑफ 91 किराया का अकाउंट जो है 19 रुपए से लिखा गया 91 रुपीज के बदले में. तो यहाँ पर एरर का साइड क्या है? साइड ऑफ एरर नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं इसका मतलब साइड ऑफ एरर डेबिट हो गया. अकाउंट ऑफ एरर रेंट है. कैसा एरर है? वन साइड एरर आ गया. क्लियर हो गया. साइड भी सिंगल है अकाउंट भी सिंगल है मतलब वन साइड एरर. तो रेक्टिफिकेशन के लिए अब नेचर पूछेंगे. नेचर क्या है? तो 19 रुपए से लिख दिया गया जबकि लिखना चाहिए था 91.
मतलब कम लिखा गया है, ये सब नेचर लेस का है। कितने रुपए से कम है? 72 रुपीस से हमारा कम लिखा हुआ है। कम है तो रूल क्या कहता है, सेम साइड सेम अकाउंट, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आएगी वो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 72। फाइनली वन बाई वन हम रफ में इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री को निकालेंगे और फेयर में जर्नल एंट्री बनाएंगे। हम जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एयर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एयर्स जर्नल का जो कॉलम बनता है वही रहेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट की जगह पर सीरियल नंबर आ जाएगा, एरर का पार्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ लेजर फोलियो आ जाएगा, अमाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। सीरियल नंबर वन या एग्जांपल नंबर वन में जो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री आई जस्ट उसे ही लिखना है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट कितने से है? 100 रुपीस क्रेडिट है तो अमाउंट क्रेडिट में नरेशन लिखेंगे। नरेशन में हम पॉइंट ऑफ एरर को हाईलाइट करते हुए लिखेंगे लास्ट में कि अब हमने रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ कैपिटल अकाउंट अंडर रिकॉर्डेड था तो नरेशन हो जाएगा फॉर कैपिटल अकाउंट अंडर रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। इसी तरीके से पॉइंट नंबर टू एग्जांपल नंबर टू का रेक्टिफिकेशन एंट्री आया रेंट अकाउंट डेबिट 72 रुपीस, रेंट अकाउंट डेबिट 72 रुपीस डेबिट में आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा फॉर रेंट अकाउंट अंडर कास्टेड कम से लिखा गया है नाउ, अब हमने क्या कर दिया तो सुधार दिए रेक्टिफाई। ऐसे ही हम वन बाय वन एरर्स के को सही ढंग से पहचानेंगे और फिर उसका रेक्टिफिकेशन भी इसी प्रोसेस से दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारा परचेजेस बुक ओवरकास्ट। विथ रुपीज 250 साइड ऑफ एरर इसमें क्या होगा? परचेज का साइड डेबिट होता है, अकाउंट कौन है? अकाउंट हमारा परचेजेस है। कैसा एरर है? तो साइड भी सिंगल, अकाउंट भी सिंगल, मतलब वन साइड एरर। और जब वन साइड एरर है तो नेचर पूछना है, नेचर कैसा है? तो ओवरकास्टेड है, मोड है, मोड है तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट अकाउंट परचेजेस रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आएगा हमारा परचेजर्स अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से? 250 से। और यही एंट्री हमारा फेयर में कॉलम में आ जाएगा परचेजर्स अकाउंट क्रेडिट 250 रुपीस। नरेशन लिखेंगे परचेजर्स अकाउंट ओवर रिकॉर्डेड ओवर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसी क्रम में इसी सिस्टम से इसी प्रोसेस से हम वन बाय वन जितने भी वन साइड एरर्स हैं उसका रेक्टिफिकेशन करते चले जाएंगे। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइड एरर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टू साइड एरर्स मींस एरर्स इफेक्टिंग वन साइड टू अकाउंट, टू साइड वन अकाउंट, टू साइड टू और मोर अकाउंट, ऑल आर टू साइड एरर्स। अब हम आपके सामने में दो पक्षीय अशुद्धियों के सुधार की जानकारी लेकर के आए हैं, एरर्स इफेक्टिंग वन साइड टू अकाउंट, मतलब एक पक्ष और दो खाते में अगर गलती हुई है, दो पक्ष और एक खाते में अगर गलती हुई है, दो पक्ष दो खाता या अधिक खाते में गलती हुई है, तो इस तरीके से हमारी पहचान बनती है कि ये टू साइड एरर्स है।
कहीं भी दो जगह गलती हुई है, either in account or inside, it means errors of two side nature. दो पक्ष की अशुद्धि का स्वभाव है, इस बात को हमें सही करना है. और जब पहचान हो गई, जब हमें पता चल गया कि टू साइड एरर है, उसके पश्चात हमारा पहला क्वेश्चन होगा रॉन्ग एंट्री पास, क्या गलत एंट्री हो गया, इसका जवाब निकालेंगे. फिर निकालेंगे करेक्ट एंट्री टू बी, क्या सही होना चाहिए एंट्री. और इसके बाद सेम रूल, जो रूल हम आपको बतलाए हैं, दोनों में हम अप्लाई करेंगे. नेचर अगर लेस का होगा तो सेम साइड सेम अकाउंट, और अगर अपोजिट मोर का होगा तो उस कंडीशन में अपोजिट साइड सेम अकाउंट. इसी प्रोसेस से हम काम करेंगे तो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा ये निकल कर क्या जाएगा. जैसे एग्जांपल के रूप में रेंट अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ रिपेयर, रिपेयर के जगह पर गलती से रेंट का खाता डेबिट हो गया है. यहां पर साइड ऑफ एरर क्या है, रेंट भी डेबिट नहीं लिखा गया और रिपेयर भी डेबिट का ही आइटम है, दोनों एक्सपेंस नेचर का. इसलिए साइड ऑफ एरर तो अकेला सिंगल है, दैट इज डेबिट. अकाउंट ऑफ एरर क्या है, अकाउंट में हम रेंट में भी गलती पा रहे हैं प्लस रिपेयर्स में भी. और जहां किसी भी साइड प्लेस में, चाहे साइड में चाहे अकाउंट में, दो जगह गलती है तो क्या कहलाएगा, टू साइड एरर. और जहां टू साइड एरर्स निकल गया तो हम पूछेंगे क्या, रॉन्ग एंट्री पास, क्या गलत एंट्री हो गया. तो गलत एंट्री हो गया रेंट अकाउंट डेबिट, मान ले रहे हैं 500 रुपीज, 500 रुपीज से डेबिट हुआ. करेक्ट क्या होना चाहिए, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं. जब दोनों की जानकारी हो गई तो फिर तब दोनों से एक एक करके पूछेंगे कि लेस नेचर का है कि मोर नेचर का है. रॉन्ग एंट्री मींस गलत लिख दिया, मतलब नहीं लिखना चाहिए लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया, तो जिस चीज को नहीं लिखना चाहिए लिख दिया, इसका मतलब मोर है. अब मोर है तो रूल क्या कहता है, अपोजिट साइड अकाउंट में आ जाएगा रेंट. अब करेक्ट एंट्री में हम आते हैं, करेक्ट एंट्री में रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए, नहीं लिखा गया, नहीं लिखना मतलब लेस, लेस का तो रूल क्या कहता है, सेम साइड सेम अकाउंट. इस तरीके से सबको देखने के बाद हम रेक्टिफिकेशन एंट्री में पाते हैं क्या हो गया, रिपेयर्स डेबिट होगा रेट क्रेडिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट. कितने रुपए से, तो 500. यही रेक्टिफिकेशन में जो एंट्री निकल कर के आई, हम जर्नल के जगह पर जो बनाएंगे जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन, ऑफ एरर्स कॉलम बनाने के बाद हम जब ट्रांजेक्शंस को लिखेंगे तो जस्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां लिखी जाएगी. मतलब क्या लिखा जाएगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट में कितना लिखा जाएगा, तो डेबिट में भी 500, क्रेडिट में भी 500. नरेशन लिखेंगे फॉर रेंट अकाउंट रॉन्गली, जो एरर है उसको पहले हाईलाइट करेंगे, रेंट अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स नाउ रेक्टिफाइड. अब हमने सुधार दिया, रेंट अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट
rupees 200. तो यहाँ पर साइड ऑफ एरर क्या है, तो एक तो गलत क्रेडिट हो गया, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट प्लस क्रेडिट दोनों में गलती है, अकाउंट में बस एक ही है, रेंट कहीं भी आइदर साइड और अकाउंट दो जगह गलती है, मतलब टू साइड एरर। और जब टू साइड एरर है तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में आ जाता है, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 200, करेक्ट क्या होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 200। अब रूल अप्लाई करेंगे, गलत हो गया मतलब मोर है और अधिक है तो सुधार का स्थान हो जाएगा, क्रेडिट की जगह पर डेबिट और रेंट की जगह पर रेंट, करेक्ट एंट्री ऐसा होना चाहिए, नहीं लिखने का मतलब बेस है। तो सेम साइड सेम अकाउंट, फाइनली जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा उसमें रेंट अकाउंट रॉन्ग में क्रेडिट था तो डेबिट हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो आएगा वो हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ भी डेबिट, यहाँ भी डेबिट 200 से, यानी 200 प्लस 200 400 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। इसी रेक्टिफिकेशन के पॉइंट को ये मान लीजिए हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, यहाँ पर एग्जांपल नंबर लिख देंगे या सीरियल नंबर लिख देंगे, डेट है तो डेट लिख देंगे, जो है रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट में आ जाएगा, डेबिट में 400, नरेशन में हो जाएगा और रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, डेबिट के बदले में अब हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई, नाउ रेक्टिफाई। इस तरीके से हम वन बाय वन एरर्स का रेक्टिफिकेशन करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं हम, ये हमारा एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 था, अब एग्जांपल 3 ले रहा है। गुड्स परचेज्ड, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, लिखने ही से छूट गया, यहाँ पर हमारा साइड क्या हो गया, लिखने से छूट गया मतलब जर्नल में छूट गया, मतलब डेबिट में भी छूटा और क्रेडिट में भी, डेबिट प्लस क्रेडिट। अकाउंट कौन सा है, परचेजेस एंड कैश, परचेज किया मतलब पैसे से परचेज किया, कैसा एरर है तो टू साइड एरर है, जैसे ही टू साइड एरर आ गया हम पूछेंगे रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं हुई है, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में परचेज करेंगे तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम वन बाय वन रेक्टिफिकेशन के रूल को अप्लाई करेंगे, नो एंट्री मतलब नो रेक्टिफिकेशन, और जैसा कि देख रहे हैं ना कम लिखा गया ना ज्यादा लिखा गया, इसलिए कोई सुधार नहीं, करेक्ट एंट्री मतलब लिखना चाहिए, नहीं लिखा गया मतलब लेस है, लेस है तो फिर सेम साइड सेम अकाउंट मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगा परचेजेस डेबिट टू कैश, यही हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगा। ये काम हमारा रफ में करना है और रफ में हो जाने के बाद क्लियर कट पता चल जाने के बाद तब हम फेयर में कॉलम में इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे टू कैश अकाउंट। मान लीजिए ये ओमिटेड टू रिकॉर्ड विथ रुपीज 1000 था, तो इस तरीके से डेबिट पे भी 1000 आएगा, क्रेडिट पे भी 1000 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 है तो 1000, इस तरीके से हम एंट्री बनाएंगे। नरेशन हो जाएगा फॉर गुड्स परचेज्ड ओमिटेड टू रिकॉर्ड नाउ रेक्टिफाइड, इस एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने में है,
goods purchased. With rupees 200, but recorded as goods sold. सामान खरीदा है लेकिन लिख दिया गया सामान बेचने के रूप में, तो साइड ऑफ एरर क्या हो गया यहाँ पर, तो डेबिट प्लस क्रेडिट, डेबिट में भी गलती है क्रेडिट में भी गलती है, अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट में गलती है, तो कैश में भी गलती है, परचेजेस में भी लिंक गलती है, सेल्स में भी गलती है, सब जगह गलती है, टू साइड एरर है। और जैसे ही टू साइड एरर पता चला हम पूछेंगे रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, सामान खरीदा गया लेकिन सामान बेचने के रूप में एंट्री हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस टू कैश। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री निकालते हैं, रॉन्ग मतलब मोड, मोड तो फिर अपोजिट हो जाएगा, करेक्ट मतलब लेस, लेस मतलब सेम साइड सेम अकाउंट रहेगा, इस तरीके से हमारा सेल्स डेबिट हो जाएगा और यहां पर परचेजेस डेबिट रहेगा, कैश क्रेडिट रहेगा और यहां पर कैश क्रेडिट हो जाएगा। इस ये पूरा हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री है, पूरी रेक्टिफिकेशन एंट्री आई मतलब परचेजेस भी डेबिट होगा, सेल्स भी डेबिट होगा और टू कैश होगा। अमाउंट कितने से था तो सब जगह 200 रुपए की गलती, 200 से मिस्टेक, ये 200 से हो जाएगा, ये 200 से हो जाएगा, ये 200 प्लस 200 दो बार होगा, देखिए ऊपर में कैश दो बार में रेक्टिफिकेशन आया 400। इसी बात को हम डायरेक्ट यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के जगह पर जर्नल के कॉलम में सिस्टमेटिक लिख करके डायरेक्शन लिख देंगे कि गुड्स परचेज बट रिकॉर्डेड एज गुड्स सोल्ड, नाउ रेक्टिफाई। इस तरीके से हम डायरेक्शन वन बाई वन टू साइड एरर्स के भी रेक्टिफिकेशन को हम कर सकते हैं, चाहे एरर्स कोई भी हो, हमें एरर्स की सबसे पहले पहचान करनी है। वन साइड एरर निकल कर भी आता है, याद रखिएगा हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है नेचर ऑफ एरर, और रूल कहता है सेम साइड सेम अकाउंट, मोर है तो फिर अपोजिट साइड सेम अकाउंट, और यहाँ पर अगर टू साइड एरर्स निकल कर भी आता है तो हमारा स्टेप होगा रॉन्ग एंट्री पास करेक्ट एंट्री टू बी, और इन दोनों में हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे, लेस का नेचर है तो सेम साइड सेम अकाउंट, मोर का नेचर है तो फिर अपोजिट साइड सेम अकाउंट, और फिर जो रेक्टिफिकेशन एंट्री निकल कर आता है सिस्टमेटिक हम प्रोफॉर्मा में कॉलम में लिखेंगे। अब हमारा जो अगला प्रेजेंटेशन होगा वो लाइव प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड हम पूरी जानकारी देंगे, चाहे वन साइड एरर्स का रेक्टिफिकेशन हो चाहे टू साइड एरर्स का रेक्टिफिकेशन हो, कब हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना चाहिए रेक्टिफिकेशन में, इसकी विस्तार से जानकारी हम लाइव प्रेजेंटेशन में बहुत जल्द ही आगे देने वाले हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको पुनः बता दें, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जानकारी दिए, वन साइड एरर्स हो तब भी टू साइड एरर्स हो तब भी हर एक प्रकार के एरर्स के रेक्टिफिकेशन का स्टेप्स रफ में कैसे सही सही जान लेना है, और जब सही रूप सामने आ जाता है तो सिस्टमेटिक जर्नल के कॉलम में लिखना है। आपको हमारे कहे अनुसार जरूर क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन, चाहे बुक कोई भी हो, आपको जम करके प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऐसे क्वेश्चन जिसमें सस्पेंस अकाउंट का नामो निशान नहीं है, या ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले रेक्टिफिकेशन करने की बात कही गई है, शुरू के मतलब क्वेश्चन को आपको बना लेना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम आ गया आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम उसका समाधान या सलूशन प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा कि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अनसब्सक्राइब नंबर जो होते हैं वो व्यूअर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है जो अनसब्सक्राइब नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।